खरगोन सहित जिले भर में वाहनों की संख्या में खासा इजाफा हुआ, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमा गई है। आए दिन हो रही बड़ी छोटी दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ने यातायात विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसी के चलते सोमवार को अमले ने नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य को लेकर कमरकस तैयारी की। वहीं अधिक दबाव वाले व्यस्ततम इलाकों में यातायात के दबाव को देखते हुए वन वे करके पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राहगीरों को समझाइश दी। इस दौरान यातायात प्रभारी ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि आगामी समय में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लोगों को हिदायत दी जा रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एकांकी मार्ग की शहर को बहुत पहले सख्त आवश्यकता थी। यातायात द्वारा ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। ये सभी के लिए सरल और सुगम मार्ग बनेगा और सुविधाजनक रहेगा। आए दिन जो जाम लगता था, सिंगर टाकिज पर अपन सुनते रहते, पेपरों में पढ़ते रहते थे, बिल्कुल इससे जाम से निजात मिलेगा कुछ हद तक। फिर भी कुछ व्यवस्थाओं में और भी जो कमी है वो दूर होती रहेगी, तो सभी के लिए सरल और सुलभ मार्ग प्रशस्त होगा। क्या नाम आपका? योगेश पाटीदार, जिला समन्वय गायत्री परिवार, जिला खरगोन। ये यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सिंगर टाकिज पर आए दिन जाम की स्थिति बन रही थी और दृष्टांत किराए पे भी आए दिन जाम की स्थिति बन रही थी, इसलिए जिसको शहर के अंदर जाना है वो स्टॉपिज तरफ या सिंगर टाकिज तरफ आना है, वो सब्जी मंडी किराए से श्री कृष्ण टाकिज तरफ आए, और जाने वाला जो पोस्टा की तरफ से जवाहर मार्ग से जो लोग आ रहे हैं वो श्री कृष्ण टाकिज से TIT बस स्टैंड होते हुए निकले, उसमें वन वे कर दिया गया है। एक दो दिन समझाइश दी जाएगी, उसके बाद अगर फिर भी लोग आते हैं तो फिर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर बैठक भी थी पिछले दिनों कलेक्टर साहब ने लिया था जी। सड़क सुरक्षा समिति में मीटिंग के दौरान इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां वन वे करा सकते हैं वो वन वे कराया जाए, तो आज हमने प्रैक्टिकल के तौर पे एक वन वे किया है। सर, जवाहर मार्ग पर हाइट बैरियर लगाने का भी वन वे, ये जवाहर मार्ग पे हाइट बैरियर भी लगाया जाना है, वो CMO साहब लगवाएंगे। और क्या यातायात को लेकर क्या नई व्यवस्थाएं की जाएगी? बस अभी यही हो, जहाँ पार्किंग जैसे अवैध तरीके से पार्किंग रोड किनारे हो रही है वहाँ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ नो पार्किंग के बोर्ड भी लगवा रहे हैं। सर, सिंगर टाकिज तो लंबे समय से बंद, आपके प्रयास से चालू हुई लेकिन पुनः बंद है, ये कब तक चालू रहेगी? गायत्री मंदिर किराए पे जो सिग्नल चालू किया गया था लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल खराबी होने के कारण वो बंद हो गया है, तो हमने नगर पालिका को लेटर जारी किया है, अब वो सुधारने की बोल रहे हैं कि थोड़े दिन में उसको सुधारा जाएगा। सर, यातायात को लेके एक बहुत जो ठेले लगते हैं यही बहुत बड़ा कारण है, इससे भी यातायात प्रभावित होता है। वो यातायात ये ठेले तो अनाज मंडी में शिफ्ट होने का चल रहा है, जब वो शिफ्ट उधर हो जाएंगे तो ये समस्या। क्या नाम सर आपका? यातायात प्रभारी सुबेदार मुकेश है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले